हेलो फ्रेंड्स, मधु निटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दो कलर की ब्यूटीफुल डिजाइन लाई हूँ। इसको आप बॉर्डर डिजाइन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 8 के मल्टीपल और लास्ट में +1 फंदा डाला है। तो इसमें मैंने 48 और +1 49 फंदे डाले हुए हैं। तो इसको बनाने के लिए आप मेरे साथ बनाइए और शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने सबसे पहले 6 रोज में सीधा सीधा बॉर्डर निकाल लिया है। मैंने ऑर्डर टाइप में बना दिया है, 2 सीधे 2 उल्टे का 6 सिलाई बना दी है। अब हम अपनी बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 येलो, जो दूसरा कलर है हमारा, मैं येलो और ब्लैक में बना रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप जैसा बनाना चाहें, जो कलर लगाना चाहें आप लगाइए अपना, आपकी चॉइस के अनुसार। मैंने इसमें येलो लगाया हुआ है। अब देखिए 1 येलो और फिर 7 फंदे ब्लैक, ठीक है। इसको पकड़ लेंगे, नहीं तो ये धागा निकल जाएगा। इसके साथ में थोड़ा सा बना देंगे। हमेशा आप इसको जो है, जब भी धागा चेंज करिए तो थोड़ा बना लीजिए इसके साथ में, फिर ये निकलता नहीं है, ठीक है। अब 1 येलो और 7 फंदे, अभी 5, 6, 7 ब्लैक, ठीक है। ये देखिए 3, 6, 7। अब फिर से 1 येलो, तो फर्स्ट रो हमारी 1 येलो और 7 ब्लैक के साथ में कंप्लीट करेंगे हम बना के। यही जो है हमारी पूरे उसमें कंप्लीट हो गई, ये देखिए। तो चलिए हम करते हैं इसको रिपीट। फ्रेंड्स, सेकेंड रो हमारी ये बनी है। तो इसमें 2 फंदे येलो के शुरुआत में, 2 ब्लैक, फिर 1 येलो, फिर से 2 ब्लैक, फिर 3 फंदे येलो। ये जो बीच में एक था उसको मिला के इधर उधर का, ये जो बीच में एक फंदा पहले था येलो का, उसको मिला के इधर उधर ये 3 येलो कर दिए, 2 ब्लैक। अब जो ये 7 फंदे थे उसके बीचों बीच हमने 1 येलो निकाला, तो 2 ब्लैक, 1 येलो, फिर 2 ब्लैक और फिर 3 ब्लैक येलो सॉरी और 2 फिर से रिपीट करेंगे। तो इसको फिर से बीच में 7 फंदे हैं ये हमारे, तो 7 फंदे में 2 ब्लैक, 1 येलो, 2 ब्लैक और फिर से 3 ब्लैक येलो। तो यही हम रिपीट करेंगे पैटर्न। तो चलिए रिपीट करते हैं। अब 3 ब्लैक के बाद में हमारे 2 ब्लैक आया, 2 ब्लैक आया 3 येलो के बाद, 1, 2 और ये 7 फंदे थे हमारे बीच के, ये देखिए ये वाला हम पैटर्न बना रहे हैं। तो 3 हमारा ये हो गया, अब 2 ब्लैक हो गया, अब 1 येलो आएगा, ठीक है, 1 येलो। अब ये 1 येलो आ गया, अब 2 ब्लैक। इसी तरह से हम अपना पूरा पैटर्न ये रिपीट कर देंगे। अब देखिए ये 2 ब्लैक बना लिया हमने, 1, अब 3 येलो। तो ये बीच में जो है हमारा फंदा 3 येलो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको इसी तरीके से पूरा हम रिपीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी थर्ड रो पर आ गए हैं। तो थर्ड रो हमें कैसे करनी है ये देखिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी थर्ड रो पे आ गए हैं। तो थर्ड में एक फंदा वाइट का रहेगा और 2 फंदे ब्लैक, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, और 3 फंदे येलो के, 1, 2, 3 फंदे येलो के, जो एक था वो 3 बन गए हैं फंदे, और अब 2 फंदे ये यहाँ पर एक रह जाएगा, जो 3 येलो थे वो एक रह जाएंगे। तो 2 ब्लैक करेंगे इसको और 1 येलो, 1 येलो,
अब फिर से टू ब्लैक, इस तरीके से टू ब्लैक के बाद में फिर थ्री येलो, ये जो एक था उसको, ये एक फंदा जो था वो थ्री येलो हो जाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पर दो ब्लैक हो जाएंगे, जो थ्री फंदे येलो के थे वो अब वन रह जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे, वन टू। अब ये देखिए ये पैटर्न पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से। तो चलिए करते हैं हम अपना ये पैटर्न कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड, हम अपनी फोर्थ रो पे आ गए हैं। अब फोर्थ रो में ये जो तीन फंदे थे हमारे येलो वो फाइव हो जाएंगे, और ये वाले जो एक फंदा जो है हमारा येलो था वो ख़त्म होके तीन ब्लैक हो जाएंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको, शुरुआत में जो है टू फंदे ब्लैक, ठीक है, अब फाइव फंदे येलो के, टू थ्री फोर फाइव, फाइव फंदे येलो के हो गए ये। अब देखिए, अब ये थ्री फंदे हमें ये ख़त्म करना है ये वाला, तो यहाँ पे थ्री ब्लैक कर देंगे, वन टू थ्री, ये थ्री ब्लैक कर दिया हमने। अब फिर से फाइव फंदे येलो के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही पैटर्न हमें कंप्लीट करना है, थ्री ब्लैक फाइव येलो, थ्री ब्लैक फाइव येलो, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको हम। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर फाइव पे हम आ गए अपने। अब रो नंबर फाइव पे हमारा क्या होगा, ये देखिए, ये तो वन ब्लैक बनेगा, ठीक है, अब थ्री येलो, वन टू और ये थ्री येलो। अब ये जो बीच के सेंटर का येलो का फंदा बीच के सेंटर का था उसको हम ब्लैक कर देंगे ऐसे, और फिर से थ्री येलो, वन टू थ्री, ये थ्री येलो हो गए। अब फिर से ये वन ब्लैक, ये पूरी रो में यही पैटर्न कंप्लीट करेंगे हम, वन टू थ्री येलो, फिर से वन ब्लैक और थ्री येलो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम अपना यही पूरा पैटर्न कंप्लीट करेंगे पूरी रो में, तो मैं करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने रो नंबर सिक्स पे आ गए हैं। तो सिक्स में हमें क्या करना है, वन ब्लैक करना है, देखिए, वन ब्लैक टू येलो, वन टू येलो, फिर वन ब्लैक वन वाइट येलो, फिर से वन ब्लैक और टू फंदे येलो। तो ये देखिए फ्रेंड, हमें वन ब्लैक से लेके टू येलो तक का पैटर्न फिर से रिपीट करना है। तो चलिए हम करते हैं। अब हमारा यहाँ पर वन ब्लैक आएगा, ठीक है, फिर से टू येलो आएगा, आप इसी को देख देख के रिपीट करते जाइए, टू येलो आ गया, वन ब्लैक आएगा, फिर वन येलो आएगा, फिर वन ब्लैक आएगा और फिर टू येलो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फिर से एक पैटर्न रिपीट किया यहाँ से। तो इसी तरह आप फिर से वन ब्लैक से लेके टू येलो तक, यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाएंगे तो आपकी बुनाई बनती जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारी सेवन्थ रो स्टार्ट होगी। तो सेवन्थ रो हम कैसे करेंगे, वन ब्लैक, ये देखिए, वन ब्लैक, फिर वन येलो, ये देखिए, फिर से वन ब्लैक,
ये देखिए, अब ये बीच के जो फंदे हैं इनको हम येलो करेंगे तीन, तो 1, 2, 3, ये 3 येलो हो गए। अब फिर से 1 ब्लैक, 1 येलो, ये देखिए, और फिर से 1 ब्लैक, ठीक है, ये देखिए 1 ब्लैक हो गया। अब यही फंदा हमारा पूरा फिर से रिपीट होगा, 1 येलो से लेके, ये हमने 1 ब्लैक तो बना लिया है, अब 1 येलो से लेके 1 ब्लैक तक। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसको फिर से रिपीट करेंगे, तो 1 येलो, 1 ब्लैक, और ये बीच के 3 फंदे येलो हो जाएंगे। बस यही फ्रेंड्स हमें करना है और कुछ नहीं करना है। ये 7th रो हमारी इसी तरह से जाएगी। अब ये 1 ब्लैक हो गया और 1 येलो, तो ये देखिए फ्रेंड, अब 1 येलो से लेके 1 येलो तक का हमें फिर से रिपीट करना है और हमारी 7th रो कंप्लीट होगी। तो चलिए करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 7th रो इस तरीके से कंप्लीट हुई और ऐसा दिख रहा है। अब हम अपनी 8th रो पे आ गए हैं, तो 8th रो में देखिए कैसे करना है। 2 फंदे ब्लैक के, 1, 2 ब्लैक के। अब ये जो है हमारा ब्लैक से लेके ब्लैक तक ये 5 फंदे, ये देखिए ये जो बीच के थे 5 फंदे, ये ब्लैक वाला भी येलो हो जाएगा, तो 5 फंदे हमारे हो जाएंगे बीच में। 2, 3, 4 और ये 5, ये देखिए 5 फंदे हो गए। अब हम फिर से एक फंदा ब्लैक का लेंगे, ये देखिए, और 1, 2 और 3, ये 3 फंदे ब्लैक के हो जाएंगे हमारे। तो अब हमारा यही पैटर्न पूरा रो में कंप्लीट होगा, 5 येलो और 3 ब्लैक, तो अब हमारे 5 येलो हो जाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 3 ब्लैक, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स यही देखिए आप, यही पैटर्न पूरा रिपीट करते जाएंगे 5 येलो और 3 ब्लैक का, तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और लास्ट में 2 फंदे ब्लैक के रहेंगे। तो ये 8th रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 8th रो इस तरह से कंप्लीट हुई। अब हम अपने 9th रो पे आएंगे, तो 9th रो में हमें क्या करना है, 2 फंदे ब्लैक के, ठीक है, ये रहा, ये देखिए 2 फंदे ब्लैक के और 2 फंदे वाइट के, सॉरी येलो के, ये येलो के हो गए 2 फंदे। अब 1 फंदा ये जो बीच का सेंटर का रहेगा वो हमारा ब्लैक हो जाएगा और साइड के दोनों फंदे येलो, ठीक है। अब ये 3 फंदे बीच के 3 ब्लैक ही रहेंगे हमारे, ठीक है फ्रेंड्स। चेंज इस बुनाई में आएगा, जो 5 फंदे हैं वो साइड के दो फंदे, दो दो फंदे येलो और बीच का एक ब्लैक रहेगा। तो देखिए अब फिर से 2 फंदे आ गए येलो के और ये बीच का सेंटर का है ये वाला, तो ये हमारा हो गया ब्लैक और फिर से 2 फंदे येलो के, ये देखिए, और ये साइड, ये बीच के 3 फंदे ब्लैक ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से लेके छोड़ के ये 2 येलो से लेके और ये 3 ब्लैक तक का एक पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा इस तरीके से। तो चलिए करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 9th रो भी कंप्लीट हुई इस तरीके से। लास्ट में भी हमारे 2 फंदे ब्लैक आए हुए हैं और शुरुआत में भी 2 ब्लैक। अब हम अपने 10th रो पे आ गए, तो 10th रो में देखिए कैसे करेंगे। 2 फंदे ब्लैक, अब ये देखिए 5 फंदों में ये थोड़ा चेंज है,
अब इसमें वन येलो वन ब्लैक वन येलो, बीच का येलो हो जाएगा और वन ब्लैक वन येलो, और ये तीन फंदे ब्लैक के रहेंगे। तो चलिए करते हैं इसको, वन येलो वन ब्लैक और बीच का फंदा ये येलो हो जाएगा जो हमने ब्लैक किया था। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए, अब ये तीन फंदे हो गए हमारे और ये तीन फंदे हमारे ब्लैक ही रहेंगे। वन टू थ्री। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये हो आ गया है पैटर्न। तो इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे यहाँ से। अब ये वन येलो वन ब्लैक, फिर वन येलो फिर वन ब्लैक फिर वन येलो, फिर तीन फंदे येलो के ब्लैक के रहेंगे। तो चलिए करते हैं हम, देखिए वन येलो वन ब्लैक, फिर वन येलो, फिर से वन ब्लैक और वन येलो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए तीन फंदे फिर से ब्लैक के आ गए। तो इसी तरह से हमारी ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे हम अपनी। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रो नंबर 10 कंप्लीट हुई। अब हम अपने आ गए रो नंबर 11 पर। तो 11 रो नंबर कैसे करेंगे, थ्री फंदे ब्लैक के, ठीक है, और ये बीच के थ्री फंदे येलो हो जाएंगे। वन टू थ्री। अब ये देखिए, ये थ्री फंदे ब्लैक के थे तो इनको हम फाइव कर देंगे। ये दो येलो के भी ले लेंगे तो फाइव फंदे ब्लैक के। वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं से हमारा पैटर्न पूरा रिपीट हो जाएगा। ये थ्री येलो और फाइव ब्लैक का पूरा पैटर्न रहेगा। तो देखिए मैं एक बार आपको बता कर देती हूँ। वन टू थ्री, ये देखिए थ्री हो गए और फाइव ब्लैक। तो रो नंबर 11 हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी, थ्री येलो और फाइव ब्लैक। ये देखिए इस तरह से पूरी रो हम अपनी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। 11 रो हमारी इस तरीके से आई है, ऐसी दिख रही है। अब हम आ गए रो नंबर 12 पे। तो 12 पे सेम कलर से सेम फंदे रिपीट हो जाएंगे। ये देखिए, ब्लैक ब्लैक से हो जाएगा रिपीट और येलो येलो से रिपीट हो जाएगा। तो थ्री येलो थ्री ब्लैक सॉरी और थ्री येलो और फाइव ब्लैक। तो फ्रेंड्स, ये सेम कलर से पूरी पैटर्न रिपीट होगा 12th रो में। तो चलिए हम इसको निकाल के लाते हैं पूरा सेम कलर से। ये देखिए फ्रेंड्स, 12th रो हमारी ये कंप्लीट हुई और इस तरीके से दिख रही है। अब हम अपने आ गए 13 रो पे। तो 13 रो पे देखिए, वन टू थ्री और एक इसमें से लेंगे फोर, फोर फंदे शुरुआत में हमारे ब्लैक हो जाएंगे। अब ये बीच का एक येलो रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, अब फिर से सारे फंदे ब्लैक, एक दो तीन चार पाँच छः और एक के सात, सात फंदे बीच में येलो हो जाएंगे और एक फंदा सॉरी सात फंदे बीच में ब्लैक हो जाएंगे और एक फंदा बीच में येलो रहेगा। तो यही पैटर्न हमारा रिपीट होगा पूरी सिलाई में। वन येलो सेवन ब्लैक, वन येलो सेवन ब्लैक। तो इसी तरीके से हमारी ये रो 13 कंप्लीट होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 13 रो हमारी इस तरीके से कंप्लीट हुई। अब जो है हमारी ये 14 रो आई है। तो 14 रो हमको सेम कलर से करनी है, ब्लैक को ब्लैक और वाइट को वाइट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए
ये ब्लैक हो गए, 3-4 फंदे ब्लैक के हो गए और 1 येलो। ये देखिए, अब इसी तरीके से हमारा सेम कलर पे पैटर्न रिपीट हो जाएगा, ब्लैक पे ब्लैक और येलो पे येलो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी 14 रो सेम कलर से रिपीट करके फिर 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर की मैंने निकाल दी हैं, निकाल रही हूँ, जिससे बुनाई उभर के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये बनाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख के बनाते हैं तो फिर मुझे वीडियो भी शेयर करने करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने 14 रो सेम यहाँ पे 14 रो निकाली थी, अब ये 14 रो निकाल के फिर मैंने 2 सिलाइयाँ ब्लैक की और बना दी, तो ये पैटर्न ऐसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी नई नई बुनाई लाऊं आपको मिलती रहे। और बैक साइड से ये इस तरीके से दिखता है। तो फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही आगे मेरे लिए सपोर्ट मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए सुंदर सुंदर बुनाई लेके आ सकूँ। सो बाय बाय।